ਤੇ ਤੁੱ ਲਗੀ ਬਿਤੇ ਰੇ ਤੂ ਕੋਲ ਲਕੀ ਨਾ ਲਕੇ ਤੇ ਤੁੱ ਲਗੀ ਬਿਤੇ ਰੇ ਤੂ ਕੋਲ ਲਕੀ ਨਾ ਲਕੇ ਬਾਬਾ ਕੀ ਹੰਦ गाइज़ कैसे आप सब आई होप एकदम ठीक होंगे तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वीक इन मैं लाइव ब्लॉग जहाँ पर मैंने जोहान का फैंसी ड्रेस जोहान का बर्थडे सब कुछ रिकॉर्ड किया है तो ये स्कूल में फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन था तो हमें कुछ हैंडमेड क्रिएटिव वाला थीम सेलेक्ट करना था तो मैंने चूज किया था इंडियाज ड्रीम मिशन ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव ये आइडिया जोहान के डैड का है तो पहले मैंने एक रफ स्केच बना लिया था जहाँ पर मुझे बहुत सारे मॉड्यूल्स की प्रिप्रेशन करनी थी हैंड क्रिएटेड जो कॉस्ट्यूम होता है वो बहुत ही स्पेशल होता है uh, तो ये yes, मुझे बहुत क्लियर आइडिया था कि क्या बनाना है क्या नहीं तो पहले एस्ट्रोनॉट का ड्रेस बना था यानी कि जोहान बने थे इंडिया फर्स्ट स्पेस कमांडर तो उनका जो यू you नो know, एक काइंड ऑफ एस्ट्रोनॉट का कॉस्ट्यूम चाहिए तो पीछे सिलेंडर्स रखने की जरूरत है तो इसीलिए मैंने प्लास्टिक बॉटल्स को लिया उसको फॉइल रैप अच्छे से कर दिया ताकि वो सिलेंडर्स जैसे दिखने लगे एंड यू नो जब भी आप कोई भी बच्चों को कॉस्ट्यूम भेजते हो मेक श्योर के यू शो क्रिएटिविटी ताकि बच्चे भी सीखे uh, नेक्स्ट मेरा था हेड मॉड्यूल हेड के लिए मुझे एक यू नो कैप जैसा बनाना था अनफॉर्चुनेटली कुछ नहीं था घर में तो मैंने ये राइस ट्रेनर का बाउल ले लिया था ये प्लास्टिक बाउल है इसको मैंने फॉइल रैप से अच्छे से रैप uh, कर दिया था एंड बन गया था वो काइंड ऑफ हैट आई थिंक दैट वाज मोर देन इनाफ बिकॉज प्राइज़ नहीं मिला टू बी ऑनेस्ट तो ये ये जो हेड का पार्ट है ये रेडी uh, हो गया है एंड सिलेंडर्स भी रेडी हो गए हैं तो so, हमारा एक हाफ टेंशन ख़त्म हो गया था एंड ये जो है ये मेन है ये रहेगा जोहान के बॉडी में तो ये काइंड ऑफ एस्ट्रोनॉट ड्रेसेस है तो हमने कार्डबोर्ड को यू uh, नो you know, लिया एंड बीच में आई मीन साइड में से ऐसे कट कर दिया ताकि जोहान के हैंड्स अंदर से आ, आराम से आ सके एंड राइट यू नो राइट हैंड का एक मॉड्यूल था जहां पर उनको एक बोर्ड पकड़ना था तो हमने स्केल के थ्रू एक बोर्ड प्रिपेयर किया है कार्डबोर्ड के थ्रू एंड पीछे में हमने इंडियन फ्लैग को ड्रा कर दिया था सामने का जो uh, uh, फेसिंग पोजिशन है वहाँ पर हमने प्रिंट आउट लिया गगनयान मिशन के बारे में एंड uh, उसको स्टिक कर दिया था एंड देन ये देखिए यहाँ पर हमने और भी प्रिंट आउट्स लिए एस आर ओ एंड जो भी यू नो क्रू मेंबर्स हैं इंडिया इंडियन स्पेस uh, में जाने वाले क्रू मेंबर्स हैं उनके फोटोज हमने लिए मेड इन इंडिया का हमने प्रिंट आउट लिया हमने सब स्टिक किया सिलेंडर्स को भी हमने अच्छे से पीछे स्टिक कर दिया था बट वो उतना यू नो सिक्योर नहीं था तो हमने फिर उसको टेप डालकर सिक्योर uh, किया तो ये देखिए ये वाला जो राइट हैंड का मॉड्यूल है ये रेडी है एंड लेफ्ट हैंड के लिए हमने सोचा था कि हम इंडियन फ्लैग देंगे तो वो भी रेडी है ये भी uh, बाहर से लिया था एंड ये देखिए इनका बॉडी है जोहान का एंड ये सब फ्रंट फेसिंग पोजिशन है यहाँ पर हमने इंडियन फ्लैग को भी स्टिक किया था तो ये ऐसे दिखता है काइंड ऑफ एस्ट्रोनॉट ड्रेस बट येस हमने पूरा हाथ यू नो हैंडमेड किया है एंड ये देखिए ये पीछे हमने सिलेंडर्स को लगा दिया है कुछ ऐसा दिखता है उनका बॉडी का कॉस्ट्यूम एंड जोहान को हमने ड्रेसअप किया था इन वाइट एंड ब्लू जैसे कमांडर का ड्रेस होता है वैसे ही एंड ब्लू सॉक्स दिया था तो लकीली उनके पास ऐसा वाइट टी शर्ट था तो एंड आर्मी का पैंट था तो हमने पहना दिया ये है उनका फाइनल लुक कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आपको ये लुक जो है ये कॉस्ट्यूम कैसा लगा वेरी गुड टर्न 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 करो वेरी गुड ओके फ़ैंसी ड्रेस जो था वो था फ्राइडे को तो जोहान ने प्राइज़ नहीं विन किया आई डोंट नो क्या रीज़न था बट येस yes, तो फ्राइडे को हम आफ्टर स्कूल चले गए थे केक ऑर्डर करने के लिए कैफ़े अरेबिका जो कि फ्रेजर टाउन में है जोहान को इस टाइम डायनासर थीम केक चाहिए था बट उनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं रहती तो हमको फॉन्डेंट अवॉइड करना था तो हमने बहुत ही बेसिक सा स्मॉल हाफ के जी केक लिया था एंड हमने बोला था कि ग्रीन कलर यू नो जो पिस्ता फ्लेवर है उसे डाल दे एंड जोहान के पास ऑलरेडी डाइनासर के टॉप हैं तो वो केक में रखना चाहते थे तो बे, बहुत बेसिक सा सिंपल सा केक हमने ऑर्डर किया था एंड उनका बर्थडे के दिन यानी कि सैटरडे के दिन हम चले गए थे मंत्री स्क्वायर मॉल जो कि है मलेश्वरम में एंड वहाँ पर बच्चों के फन एंड एंटरटेनमेंट जोन बहुत हैं तो हम फर्स्ट चले गए थे टाइम जोन बिकॉज टाइम जोन जाकर बहुत दिन हो गया था तो ये टाइम जोन में हमने यू नो अच्छे से इंजॉय किया जोहान को आ, वी मेड हिम प्लेड गेम्स वट एवर ही लाइक एंड लकीली वी वन टू प्लस टॉयज तो हम बहुत ही हैप्पी हो गए थे मंत्री मॉल हम गए थे अराउंड सेवन ओ तो सारा दिन तो ऐसे ही चला गया था वी विल एक्चुअली टायर्ड तो हमने कुछ प्लान भी नहीं किया यूजुअली वी डोंट सेलिब्रेट बर्थडेज एज सच बस हम सिर्फ दो हैं तो इसीलिए आता देखो तुमने येलो आगा देखो येलो ड्रेस को येलो हैप्पी बर्थडे सुनो बच्चों की एक्साइटमेंट एक्चुअली बढ़ जाती है जब वो कुछ विन करते हैं राइट right? um, तो येस yes, हमने भी सोचा था कि जोहान को एटलीस्ट थर्ड प्राइज़ मिलेगा फॉर द क्रिएटिविटी फॉर द यू नो हंड्रेड परसेंट दैट वी गेव बट पता नहीं क्या बट इट्स ओके पार्टिसिपेशन इज़ मोर इम्पोर्टेंट एंड ही गॉट टू लर्न समथिंग वी वेर रियली हैप्पी अबाउट एंड हमने बहुत डिफरेंट टाई ट्राई किया था तो हमको भी यू नो सेटिसफैक्शन है बिकॉज ये फ्यूचर फ्यूचर प्रोजेक्ट है मतलब 2025 का मिशन uh, है यानी कि इंडिया का बिगेस्ट ड्रीम मिशन था तो ऑब्वियसली हमको कॉन्फिडेंस था बट शायद येस ओवर कॉन्फिडेंस इज नॉट गुड शायद एक थोड़ी सी यू uh, नो you know, एक स्लाइट कॉर्नर में शायद एक वन और टू परसेंट ओवर कॉन्फिडेंस हो गया होगा इसीलिए येस बट इट्स ओके अलहमदुल्लह फॉर एवरी थिंग एंड वी आर वेरी हैप्पी एंड प्राउड दैट यू नो ही बाई हार्टअर दोज लाइन्स एंड ही प्रेजेंटेड एज वेल तो यस yes, हम भी यू नो टाइम जोन में खेलने लगे हैं देखिए मुझे आई समटाइम्स यू नो विन बट इस टाइम आई वॉज चैलेंजिंग माई हजबेंड के मैं विन करूँगी बट मैंने विन नहीं किया तो इसी लिए वोज़ फेस एक्सप्रेशन तो इस बर्थडे में ऐसा कुछ नहीं था बट या डायनासर जोहान को बहुत पसंद है रिसेंट टाइम उसमें क्रेज स्टार्ट हो गया है तो यू वॉन्ट टू प्ले ऑल डायनासर गेम्स पता नहीं क्या एंड वी यूजली यू नो डोंट हाइप बर्थ डेज मच तो इसीलिए इतना ज़्यादा कुछ हाइप नहीं था बट वी जस्ट मेड हिम फील इटल स्पेशल एंड ये जो भी पॉइंट्स मिले थे उसमें से ऐसे जो भी स्टेशनरी है उसको हमने रेडीम कर लिया बिकॉज जोहान को पॉइंट्स जमा करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है तो येस नेक्स्ट हम चले गए थे ऑसम प्लेस जो कि लोकेटेड है वेरी नेक्स्ट टू तो टाइम जोन मंत्री मॉल में ही ये एक न्यूली ओपन फन एंड एंटरटेनमेंट जोन है बच्चों के लिए यहां पर ट्रैम्पोलिन पार्क है सॉफ्ट प्ले एरिया है सी आई बेसिकली डोंट रिकमेंड ट्रैम्पोलिन बिकॉज ट्रैम्पोलिन बच्चों के लिए ठीक नहीं है बड़ों के लिए भी ठीक नहीं है

लेट हिम यू नो लर्न लेट हिम एक्सपीरियंस वॉट इट इज़ तो ये खेल कर बहुत टाइर्ड हो गए थे बट वी वे आर वेरी श्योर वी टोल्ड हिम बिफोर ही विजिटेड बिफोर ही वेंट एक्चुअली अकेले जाना था ट्रैपलिन पार्क में एडल्ट अलाउड नहीं है तो uh, जब उनको जाना था तो हमने क्लियरली बोल दिया था कि uh, आप ज़्यादा एक ही जगह में बाउंस नहीं करोगे यू विल यूज़ दी एंटायर पार्क सो दैट यू नो यू डोंट गेट्स ब्रेन और मजल का कोई भी इशू ना हो तो इसीलिए एंड देन वहाँ खेल कर हम चले गए थे फूड कोर्ट फूड कोर्ट में ही ये है ये सब कुछ तो वी वॉन्टेड टू हैव डिनर बट या कुछ डिफरेंट खाना था तो हमने बर्गर ऑर्डर किया था जोहान के लिए uh, बिगीज़ बर्गर इज़ हलाल हंड्रेड परसेंट हलाल तो हमने चिकन एंड बर्गर ऑर्डर किया था यहाँ पर हमको एग स्टिक ट्राई करना था हमने एग स्टिक ट्राई किया था वहीं पर आपको नंदिनी कैफ़े है एक सम्बड न्यू था तो मुझे यहाँ का पिज्ज़ा ऑर्डर करना था तो मैंने ऑर्डर किया था पिज़्ज़ा एग स्टिक एंड जोहान के लिए बर्गर एंड मेरे हस्बैंड ने ऑर्डर किया था कैली uh, नहीं नहीं uh, टैकोविल से Uh, जो वीट बीन का टैको है वो उन्होंने ऑर्डर किया था इट इज़ कम्प्लीटली वेज तो ये yes, बहुत ही लाइट सा फूड था एंड प्रॉपर डिनर नहीं था बट काइंड ऑफ जंक ही बोल लो एंड थोड़ा बहुत हेल्थी भी था तो ये रहा नंदिनी कैफ़े का पिज्ज़ा uh, अच्छा है लाइक काइंड ऑफ यू नो होम मेड फ़ील देता है uh, चीज़ उसमें भर भर के डाला था बट uh, वो प्रॉपर पिज्ज़ा वाला यू you नो know, वो मज़ा नहीं आया तो फूड कोर्ट में ही हमको ये दिखा डोम शेप जैसा कुछ बड़ा सा नज़दीक जाके तो जब हमने देखा तो वहाँ पता चला कि ओब्लिवियन व्यन बोल के एक शो चल रहा है जहाँ पर आपको थ्री टाइप्स ऑफ शोज मिलेंगे तो यस उसमें से आप कोई भी सेलेक्ट कर सकते हो तो ऐसा कुछ दिखता है ये एंड इट्स कम्प्लीटली यू you नो know, थ्री डिग्री थिएटर जहाँ पर यू you नो know, रियलिटी शो है जहाँ पर आपको लगेगा कि आप खुद ट्रैवल कर रहे हो तो इट्स काइंड ऑफ थ्री डी थ्री सिक्सटी डिग्री थ्री डी शो तो ये इस, इसका जो चार्जेस है वो टू हंड्रेड रुपीज़ है पर हेड यहाँ पर बच्चे भी जा सकते हैं बिलो थ्री ईयर्स इट्स कम्पलीटली फ्री अबाउट थ्री ईयर्स टू हंड्रेड रुपीज़ है अडल्ट के लिए भी टू हंड्रेड रुपीज़ है बुक माई शो में भी इसके टिकट्स अवेलेबल है बट बुक माई शो में हमको टू ट्वेंटी समथिंग दिखाई दिया तो हमने सोचा कि हम टिकट uh, काउंटर पे ही ले लेते हैं जोहान वॉज वेरी एड टू ट्राई दिस ही वॉन्टेड मी ऑल्सो टू कम बट हु विल वेस्ट यू फोर हंड्रेड रुपीज़ ऐसे ही थ्री डी शो के लिए तो आई डेंट गो तो मैं थोड़े बहुत क्लिप्स यहाँ पर ऐड करी हूँ ताकि आपको आइडिया मिले एंड जोहान एक्चुअली अंदर डर गए थे तो कैमरा मैंने उनके स्टाफ के पास दे दिया था अंदर का कैप्चर करने के लिए तो येस उसके बाद हमने आइसक्रीम खाई थी आइसक्रीम हाफ हो चुकी है तो उसके बाद हम घर वापस आ गए थे ऑन द वे आई यू नो वी गॉट द केक दैट वी हैड ऑर्डर डाइनो उन्होंने साइड में लिख दिया बताने क्या एंड देन वी वांटेड टू कीप द टॉपर्स जोहान के पास ये uh, प्लास्टिक के डायनोस डाइनो, थे तो उन्होंने वो रख दिया था एंड ही ऑल्सो गॉट वन क्यूट एक्सेसरीज मुस्टैच बिकॉज फैंसी ड्रेस में बहुत सारे बच्चों ने मुस्टैच रखा था तो उनको भी थोड़ा सा यू नो इंस्पायर हो गया एंड देन ये से पाइन फ़्लेवर केक है जोहान को पाइन फ्लेवर अच्छा लगता है तो वो छोटा सा केक था हमने खुद कट कर लिया था पेरेंट्स को वीडियो कॉल कराया था एंड नेक्स्ट डे उनके फ्रेंड्स आए थे तो जोहान की ख्वाहिश थी तो हमने पार्टी पॉपर्स को बर्स किया था कौन दिए सी है कौन से आंटी बाजू घर के डि हाँ। तो ये सी एस आप कुछ संडे हुआ था एंड संडे इवनिंग हम गए थे रत्नाकर इम्पेक्स जो कि एस पी रोड में लोकेटेड है इस स्टोर का प्रमोशन मैंने दो तीन बार किया हुआ है तो प्रीवियस uh, वीडियोज़ आप चेक कर सकते हो ये होल सेल टॉय स्टोर है यहाँ पर हमने एक साइकिल ली थी जोहान के लिए बढ़िया साइकिल है इस कलर uh, की साइकिल मैंने नहीं देखी थी ये काइंड ऑफ पीक ब्लू साइकिल है जोहान को अच्छी लगी इसके साथ कुछ एक्सेसरीज भी आते हैं जो कि आपके साइकिल को लाइटअप uh, कर देते हैं तो हमने वो uh, भी सेटअप किया एंड थोड़ी बड़ी है साइकिल बट yes, well, ये जोहान है, ये है, तो, ये अच्छी है but, uh, मैंने चॉकलेट ऑलरेडी इम्पोर्टेड चॉकलेट्स हैं वो वानियम बड़ी से शॉपिंग कर लिया था मैंने तो uh, उनका बर्थडे जो है सैटरडे आया था ऑब्वियसली डेंट गो टू स्कूल तो मंडे को मैंने उन्हें ड्रेसअप किया एंड स्कूल uh, uh, को कलर ड्रेस में भेज दिया था एंड देन uh, ये भी गिफ्ट आया था फ्राम पेरेंट्स जो कि पेंट योर ओन कार है तो इसको भी यू नो जोहान ने अच्छे तरीके से एंजॉय किया अपनी कार को ख़ुद पेंट किया ये काइंड ऑफ डी कार है तो बहुत ही अमेजिंग एक्टिविटी है बच्चों को एंगेज रखती है इन्होंने कुछ ऐसा पेंट किया है एंड द बेस्ट थिंग इज़ यू कैन रन द कार एज़ वेल तो दैट्स इट गाइज़ ये रहा मेरा स्मॉल व्लॉग तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिए एंड मेरे जोहान के लिए माशाल्लाह ज़रूर बोलिए एंड दुआओं में याद रखिए सी यू सोनी अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो अंटिल दिन अल्लाह हाफिज़